अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। यूनिट 1 की आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक तो ये ना स्टूडेंट्स कि हम डायरेक्टली एमसीक्यूज को मैं रीड करूं और उसके बाद डायरेक्टली आंसर बता दूं, इस तरह हमने नहीं करना, बल्कि एमसीक्यूज को समझना है, उसके ऑप्शन को समझना है, समझने के बाद उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने ढूंढना है। और हमें पता होना चाहिए जो रिक्वायर्ड रिजल्ट किसी भी एमसीक्यूज का आ रहा है वो किस तरह आएगा हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर आपका 26 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है, टोटल 10 एमसीक्यूज है, आज हमने 10 एमसीक्यूज करने हैं। चूंकि हमने टॉपिक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये हमने टॉपिक्स में सही हमें दिए हुए हैं और हमने इसको खुद स्टडी करना है और समझना है और जो सॉल्व करने के हुए उनको हमने सॉल्व भी करना है। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मैनी मिली मीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिली मीटर्स होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 50 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 10 मिलीमीटर। ये चूंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और इसका क्वेश्चन ये है कि 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मिलीमीटर। यानी एमसीक्यूज नंबर 1 का रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है, जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन विच इज 100 मिलीमीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर्स। एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर पे बात आती है तो स्क्रू गेज में बात आ जाती है। और ऑप्शन गिवन है करंट है, ए ऑप्शन करंट है, बी ऑप्शन फोर्स है, सी ऑप्शन लेंथ है और डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास मैस आ रहा है। वो ये कह रहा है कि इन फोर जो क्वांटिटीज है, करंट, फोर्स, लेंथ, मैस, इन क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी को माइक्रोमीटर को यूज करके मेजर किया जाता है। सबसे पहले अगर करंट के ऊपर बात की जाए तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है या इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास एमीटर होता है, माइक्रोमीटर नहीं होता। तो लिहाजा करंट वाला ऑप्शन तो हमारे पास ठीक नहीं है। बी ऑप्शन पे आ जाए तो बी ऑप्शन हमारे पास फोर्स का ऑप्शन है। फोर्स को मेजर करने के लिए हम फोर्स मीटर यूज कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ठीक नहीं है। डी ऑप्शन पे आ जाए मैस, तो मैस के लिए हमने इसी चैप्टर में स्टडी किया था कि मैस को मेजर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस को यूज कर रहे होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। लेंथ वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं हम माइक्रोमीटर को यूज करते हुए, लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 का वो हमारे पास कौन सा है, सी। सी क्या है, लेंथ है आपके पास। एमसीक्यूज नंबर 3 पे आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 3, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। वो वाला इंस्ट्रूमेंट बताना है जिसको यूज करते हुए हम डायमीटर ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप को मेजर कर सकते हैं, वो कौन सा होगा हमारे पास, उसको हमने देखना है। देखिए अगर ऑप्शन पे गौर किया जाए, स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, मीटर रूल है, मेजरिंग टेप है। अब दो ऑप्शन पे मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुका हूं, बता भी चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर देता हूं।
मीटर रूल और मेजरिंग टेप। मीटर रूल ये वो वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हुए हम लेंथ बिटवीन लेंथ ऑफ लेंथ फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं या हम डिस्टेंस टू पॉइंट्स के बीच का मेजर करके दे सकते हैं इसको सामने रखते हुए। बाकी यानी मीटर रूल वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं है, मेजरिंग टेप वाला भी ठीक नहीं है। बाकी बच गया स्क्रू गेज एंड वर्दी और कैलिपर। स्क्रू गेज के अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर गौर की जाए तो हमारे पास रैचेट होता है, थिम्बल होती है, एनवल होती है, स्पिंडल होती है और दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल होता है और हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है। उसमें हम क्या करते हैं जी, वर्नियर कैलिपर को यूज कर रहे होते हैं। स्क्रू गेज की है, स्क्रू गेज में हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर पे बात नहीं कर रहे होते, वो वर्नियर कैलिपर में अगर आपको जहाज याद हो दो तरह के जहाज थे, अपर जहाज भी थे और हमारे पास लोअर जहाज भी थे। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम भी आपके सामने अगेन दोबारा कर लेता हूँ। आपके पास इसी पेज के इसी बुक के पेज नंबर 17 पे देखा जाए तो ये जहाज है, ये अपर जहाज है और ये हमारे पास लोअर जहाज है। इंटरनल डायमीटर के लिए आप ये वाले जहाज यूज कर रहे होते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी, वर्नियर कैलिपर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए आप इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप को जो है वो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स ए लार्जेस्ट वैल्यू। कौन सी प्रीफिक्स सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रही है। ए ऑप्शन है मेगा, बी ऑप्शन है गेगा, सी ऑप्शन है पीटा, डी ऑप्शन है हेक्सा। ऑप्शन पे बात की जाए तो मेगा जो होता है वो हमारे पास होता है 10^6, गेगा जो होता है वो हमारे पास होता है 10^9, पीटा जो होता है वो हमारे पास होता है जी 10^15 और एग्जा जो होता है वो हमारे पास होता है 10^18। तो लिहाजा बेस्ट ऑप्शन जो है, सबसे लार्जेस्ट जो प्रीफिक्स है वो कौन सी है, एग्जा, विच इज इक्वल टू 10^18। एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। ऊपर वाले में 4 में लार्जेस्ट बतानी थी और 5 में स्मॉलेस्ट बतानी है। ए ऑप्शन है आपके पास R2, R2 है 10^4। अगर आप प्रीफिक्स के टेबल को देखें ना तो R2 जो है वो आपके पास 10^-18, पीको जो है वो 10^-12, नैनो जो है वो आपके पास 10^-9 और फेंटो जो है वो आपके पास 10^-15 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्रीफिक्स के टेबल में बन रही है और जो ऑप्शन में गिवन है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट अगर देखी जाए तो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 का ए आर2, विच इज इक्वल टू 10^-18। एमसीक्यूज नंबर 6 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोज वन सिग्निफिकेंट डिजिट। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने ये चेक करना है इन 4 ऑप्शन में से कि कौन से ऑप्शन में वन सिग्निफिकेंट डिजिट है। ए ऑप्शन है 1.1, तो 1.1 में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास कितने हैं, 2। बी ऑप्शन है 6.0, इसमें भी 2 है, क्यों, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे 0 आपके पास आ रहा है तो यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 2 होंगे। सी ऑप्शन पे आ जाए 7.1, यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। डी ऑप्शन पे आ जाए 6 × 10^2। तो इसको देखा जाए तो इसके ऊपर हमारे पास एक रूल अप्लाई हो रहा था कि इन साइंटिफिक नोटेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट, यानी जो फिगर हमारे पास गिवन होता है उसमें पावर ऑफ 10 को छोड़ के बाकी जो नंबर गिवन होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होती, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देन देखा जाए पावर ऑफ 10 को जो फिगर जो डिजिट बन रहा है वो ओनली वन डिजिट, विच इज इक्वल टू 6, डिजिट 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 में कितने, 1 है। तो ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन डी 6 × 10^2, ये रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम
हमने फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन फोर ऑप्शंस में से चेक कर रहे हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे हैं। चेक करते हैं जी, डी ऑप्शन पे चले जाएं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं जी। करेक्ट ऑप्शन ए, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैं पहले डी पे आता हूँ, 0.0002। ये डी ऑप्शन पे देखा जाए ना तो एक रूल हमने अप्लाई किया था, लेस देन वन का रूल। और अगर लेस देन वन हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जीरो आ जाए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो डी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही आ रहा है, टू जो आपके पास है। अगर कोई और नंबर होता तो वो भी होता। सी के ऊपर आ जाए, 5174.00। अब इसमें देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे जीरो जीरो आ रहे हैं, तो इट मीन वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट सी में जो है वो 6 आ रहे हैं। डी में 1 आ रहा है, सी में 6 आ रहे हैं, बी में चेक करें एक ही आ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो दो जीरो आपके पास आ रहे हैं वो तो रूल है जो आपके पास है कि जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। 9 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में जीरो जीरो आ रहे हैं तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ए ऑप्शन में 4 आ रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट भी यही थी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यूज नंबर एट पे आ जाए, तो एमसीक्यूज नंबर 8 ये कहता है कि ए लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year। इट ट्रेवल्स अबाउट 9.460 मल्टीप्लाई बाय 10^15 मीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर? ये जो नंबर गिवन है 9.460 मल्टीप्लाई बाय 10^15 मीटर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए में 6, बी में 2, सी में 3, डी में 4। अभी इस नंबर को चेक करते हैं जी, इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास रूल है, इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर दे अदर देन पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 को छोड़ के बाकी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 ये सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पास, बाकी सिग्निफिकेंट ये बच गया 9.460। तो इसमें जो जीरो आ रहा है वो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस नंबर 9.460 कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने डिजिट है? 4 है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यूज नंबर 8 के लिए करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। अब इसको हमने समझना है, 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। मीटर में हमने 0.2 मिलीमीटर को चेंज करके देना है जी। इसके जो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं जी वो अगर देखे जाए तो वो बन रहा है 0.0002 मीटर। बी ऑप्शन बन रहा है 2 × 10^-4 मीटर। और इसी तरह जो आपके पास सी ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास नन का है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो हम क्या करते हैं जी, 0.2 mm इसको चेंज करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मिली और दूसरा एम स्टैंड्स फॉर मीटर। मिली 10^-3 होता है, तो देन 0.2 × 10^-3 मीटर। अब डेसिमल पॉइंट इधर है तो इसको आगे लेके आए, तो 2 × 10^-1 × 10^-3 मीटर। तो 2 × 10^-1 + −4 −3, ये −3 है, −4 नहीं है, प्लस माइनस। तो ये बनेगा 2 × 10^-1 − 3 मीटर, 2 × 10^-4 मीटर। रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 × 10^-4 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। और अगर इसको पीछे शिफ्ट करें तो इसको लिखा जा सकता है 0.002 मीटर। दोनों आंसर हैं, ए भी है, बी भी है, लेकिन डी उसने जो ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी,
एनस्क्यूज नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है जी? आपके पास डी वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। लास्ट एमसीक्यूज है, किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय कौन से साइंटिस्ट ने लिखी थी? मुस्लिम साइंटिस्ट चैप्टर में है, उसमें देखा जाए याकूब अल कुंदी, अल बेरूनी, इब्नुल हिशाम और नन। बी ऑप्शन इसका ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी।